दोस्तों, आपने आजमगढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाली कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन में तो सफर जरूरी किया होगा, लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि इस ट्रेन का नाम कैफियत किसके नाम पर पड़ा और यह ट्रेन कब और क्यों चलाई गई थी? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलती रहे। उर्दू के मशहूर शायर कैफी आजमी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव मिजवा में 14 जनवरी 1919 में जन्मे थे। कैफी आजमी ने हिंदी फिल्मों के लिए कई मशहूर गीत व गजलें लिखी। कैफी आजमी की बेटी और फिल्म अभिनेत्री रही सबाना आजमी के कहने पर 28 सितंबर 2003 में रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार ने इस ट्रेन को चलवाया था और उर्दू के मशहूर शायर कैफी आजमी के गीत संग्रह कैफियत के नाम पर इस ट्रेन का नाम कैफियत एक्सप्रेस रखा गया। कैफियत एक्सप्रेस को आजमगढ़ की लाइफलाइन ट्रेन के नाम से जाना जाता है। आजमगढ़ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली यह एक्सप्रेस ट्रेन अपने 803 किलोमीटर के सफर में अयोध्या और लखनऊ से भी गुजरती है। कैफियत एक्सप्रेस आज के समय में आजमगढ़ के हर दिल में बस चुकी है। इसका नमूना उस वक्त मिल गया था जब 2017 में इस ट्रेन को बंद करने की बात उठी थी और इसे मऊ जनपद से चलाने की बात कही गई, जिसे आजमगढ़ विकास संघर्ष समिति जैसे संगठनों ने इसका विरोध किया। इसकी जानकारी होने पर फिल्म अभिनेत्री सबाना आजमी ने उस समय रेल मंत्री रहे सुरेश प्रभु को पत्र लिखकर कैफियत को मऊ से चलाने के आदेश को रद्द करने की बात भी कही। इस घटना ने कैफियत एक्सप्रेस को आजमगढ़ की बेशकीमती धरोहर में जोड़ दिया। आजमगढ़ के लोगों का मानना है कि अगर इस ट्रेन को यहां से हटा दिया जाए तो काफी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि कैफियत एक्सप्रेस लोगों की जरूरतों के साथ भावनाओं से भी जुड़ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी कैफियत एक्सप्रेस की कहानी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।